हुआ, सब लोग अंदर आ गए, फिर ऊट पटांग बातें करना शुरू करता हूं मैं। वो इनको आती हैं, वो सिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं, फिर वो थोड़ा सा एक वो शर्ट का आ जाता है, फिर एक वो डांस स्टेप होता है। सर आप ये तो कर पाएंगे? सर मुझे क्या हो रहा है, मुझे ऐसे वो फीलिंग आ रही है, अर्पिता की जो फीलिंग थी ना दोनों एक तरफ। आइए सर, सर सर वो मोमेंट पूरी कर देते हैं, पूरी कर देते हैं। आइए राधे जी का क्या करें आज, इनको कटघरे में सवाल पूछे यार। सवाल सवाल पूछो, तुम पहले कटघरे में ले जाओ। जज कौन है मुझे? सर जज तो इनका जजमेंट बहुत अच्छा है हर चीज के अंदर, नहीं माशाल्लाह है। तो मुकदमा शुरू करो। तो यही जज बनेंगे, और कौन बन सकता है जज? आप संभाले, मैं आप लोगों को ये स्टेज पूरा देता हूँ। एक बार जोरदार तालियां शाहरुख खान, सलमान खान एंड अजय शर्मा जी के लिए। सोच ले, इसके बाद वापस से प्रोग्राम में जाना है हमको। हाँ, मगर खुल के पूछ ले। क्या पूछेंगे क्या इनसे यार? चलिए सर, आपसे पहले एक सवाल कर लेते हैं कि आपने अपना खुद का अदालत खोल लिया है। सोचा खुद का खोल लिया, क्यों? व्हाट इज द नीड कि देश के अदालत पे इनको कोई भरोसा नहीं है? क्या बात कर रहे, ऐसा तो नहीं होगा यार, मतलब आपकी अदालत देश की अदालत से बड़ी है? सलमान, जो देश की अदालतें हैं उनमें मुझे पूरा भरोसा है, बड़े बड़े वकील यहाँ बैठे हैं, कुछ जज भी हैं, लेकिन आपकी अदालत में उसी वक्त फैसला हो जाता है और फैसला देश की जनता करती है, इसलिए मेरा ज्यादा भरोसा देश की जनता में है। मेरा भी कर ही लो सर। ये कर लो, चट से फट से खत्म करो, आज रात को ही खत्म कर दो, हम भी चले जाएंगे आराम से, खुशी खुशी प्लीज। सर अगला सवाल आई थिंक ये होना चाहिए कि आपको असली अदालत से डर लगता है? नहीं, न थप्पड़ से डर लगता है, न प्यार से डर लगता है, न अदालत से डर लगता है। सर अगला सवाल आप पे ये है कि मुझे एक सवाल से लोग परेशान करते हैं कि शादी कब करेगा, शादी कब करेगा, शादी कब करेगा। एक ऐसा सवाल आप पे भी आता होगा, वो कौन सा सवाल है आपका जो कि आपको परेशान करता है? ऐसा कोई सवाल नहीं जो मुझे परेशान करता है। कोई पूछता नहीं आपसे? कोई नहीं, कोई नहीं पूछता। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि आपके शादी के पहले कितनी गर्लफ्रेंड थी? हम जब कॉलेज में थे तो हमारे साथ एक मॉरल पुलिस थी, अरुण जेटली। ये न किसी से बात करने देते थे, न किसी से मोहब्बत करने देते थे। तो उनसे पूछ ले उनकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। नहीं, ओहो मैं पूछूं एक दो सवाल? पूछो अभी, फटाफट मेरा हो गया। रजत साहब आपसे मेरे एक दो सवाल भी हैं। आपने बहुत सारे सलमान के जो सवाल हैं उनको इधर उधर कर दिया, तो मैं आपसे डायरेक्टली पहले पूछना चाहूंगा। बार बार आप आपकी अदालत में कहते हैं जनता जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है, आज तक जनता की हिम्मत तो नहीं हुई हम दोनों से कुछ पूछने की। ये सब बोल बोल के ये आप ही की शैतानी खोपड़ी का कमाल है जो सवाल पूछते हमसे। इसीलिए जनता ने मुझे अपना वकील नियुक्त किया है, आप जैसे लोगों को पकड़ने के लिए, आप जैसे लोगों से सवाल पूछने के लिए, आपकी हरकतों को जनता के सामने एक्सपोज करने के लिए, आपके वानखेड़े स्टेडियम को, आपके इश्क को, आपकी सारी बातों को। दिल्ली बुला के डरा रहे हो? अच्छा दूसरा सवाल आपसे है कि जब घर में आपका झगड़ा होता है, कभी होता है ऋतु जी के साथ, या वो भी नहीं बताएंगे, वो भी जेटली साहब रुकवा देते हैं, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ ओके, तो जब आपका झगड़ा होता है घर में तो उसके अंदर फैसला कौन लेता है, कौन जज होता है, सेटल कौन करता है, आप कर सकते हैं या ऋतु जी करती हैं? देखिए ये एक ऐसा केस है जिसमें ना कोई अपील है, ना वकील है, ना दलील है, सिर्फ एक जज है और सारे फैसले उनके हैं, मैं सिर्फ मुजरिम हूँ और सिर्फ सजा पाता हूँ। जोरू के गुलाम हो तो कैसे बोलो ना यार, इतना लंबा जवाब क्यों दे रहे हो? ओके जल्दी से आपसे सवाल पूछता हूं मैं। आप पे इल्जाम लगाया जाता है कि जब हम एक्टर लोग आते हैं आपके कटघरे में, सलमान, मैं, आमिर, अच्छा सवाल है, क्रिकेटर्स आते हैं तो आप बड़े उल्टे फुटा ये वो सवाल पूछते हो, जब पॉलिटिशियन नेताजी लोग सब आते हैं वहां पे तब आप उनके साथ थोड़ा सा नर्म बर्ताव करते हो, ऐसा क्यों है? दिल्ली में रहते हो इसलिए? इतने सारे नेता बैठे हैं, किसी से आप पूछ के देखिए, सब लोग मुझे शिकायत करते हैं कि आप नेताओं से बड़े सवाल पूछते हैं, सबूत के साथ इल्जाम लगाते हैं, लेकिन जब
सलमान आते हैं, जब शाहरुख खान आते हैं, जब आमिर खान आते हैं, उनके साथ बहुत लीनियंट रहते हैं, हंसी मजाक करके हल्की फुली बात करके छोड़ देते हैं। अच्छा, तो उनको भी एक प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ करते भी तो नहीं हम लोग। मेरा एक पर्सनल सवाल है, 21 साल से मैं आपको देख रहा हूँ, सलमान भाई देख रहे हैं, आमिर, हम सब लोग देख रहे हैं, आपकी ये सुंदर गोरी और क्लीन त्वचा का क्या राज है? मैं हमेशा देखता हूँ टीवी पे चमकते रहते हैं एकदम, यार हमको भी बता दो, हम भी थोड़ा बहुत करा लें। वो जो दोनों काम आप करते हैं वो मैं नहीं करता। आप मतलब आप इनसे 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 बात कर रहे हैं? आप दोनों एकदम, मेरी तो अच्छी है। आप इनसे बात करो। मजा बहुत आता है, स्किन थोड़ी खराब हो जाए तो हो जाए, आप भी ट्राई कर लो कभी। अच्छा, एक सवाल और आपसे है कि आखिरी सवाल पूछ लेता हूं आपसे, हम तीनों खानों के बारे में, क्योंकि आप इतनी सदी पुराना आना, अब तो आना ही पड़ेगा। ये शायद देश के इतिहास में पहला मौका है कि तीन खान एक साथ। सर मिलते थे हम लोग सर, और जितना आप इकट्ठा होते जा रहे हैं उतना मेरा डर बढ़ता जा रहा है। सर हम लोग बहुत मिलते थे पहले, गैलेक्सी में मिलते थे। आप दोनों को तब भी समझ सकता हूँ, ये थोड़े पढ़े लिखे भी हैं। नहीं सर, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना मेरे पास ग्रेजुएशन डिग्री है ना कुछ। आमिर सीरियस क्वेश्चन कर रहा है। अच्छा, मैं सवाल पूछ रहा था, आप जो है जब भी हम तीनों जो हैं दूसरे एक्टर्स की भी बात करते हैं, हम कुछ भी कह देते हैं किसी के बारे में, कभी कभी सच मजाक में, अच्छाई में, बुराई में तो नहीं बोलते कभी, लेकिन आप जब भी हम तीनों से मिलते हैं तो आप सिर्फ हम तीनों के बारे में ही एक दूसरे से बात करते हैं, ये मैंने देखा है पूरे 21 साल के अंदर। बोलो, बुराई में नहीं बोलते? हाँ क्यों बुराई में नहीं बोलते? तो बोला, हाँ वो तेरे लिए बोला था, अपने लिए नहीं बोला था। तू तो कभी नहीं करता ना बुराई किसी। मैं आप तीनों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं जनता को, सब लोग, आप तीनों के बारे में मीडिया में कुछ भी कहता हो, एक कंपटीशन है, एक दूसरे के बारे में कहते हैं, लेकिन इन तीनों ने कभी भी एक दूसरे के बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, इन तीनों ने कभी भी किसी के राज नहीं खोले, और इन तीनों ने प्राइवेटली हमेशा ये कहा कि हम दूसरे दोनों की बहुत इज्जत करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, शायद जनता के सामने बात आनी चाहिए। और सलमान ने तो मुझे ये भी कहा कि अगर कोई आकर मेरे सामने आमिर की या शाहरुख की बुराई करता है मुझे खुश करने के लिए तो गुस्सा आता है, उसके बाद क्या करते हैं वो मुझे मालूम नहीं है। ओके, वेरी लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि जब आप लोगों की पोल खोलते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको फोन करके बोला कि तू कटघरे के तो बाहर मिल मुझको स्टूडियो के, ये सब जो पास सवाल पूछे तूने रजत, बाहर आके मिलियो मुझको? एक शख्स ने पूछा था, नाम बताएंगे उसका? उन्होंने कहा था, हाँ, एक शख्स, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़े राजनीति में बड़े दिग्गज थे और उनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड थी, जब उनको आपकी अदालत में मैंने बुलाकर उनसे सवाल पूछा उनके बेटे के बारे में, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में, तो फिर फोन आया था और उन्होंने कहा था कि हमें मालूम है कि तुम कौन सी गाड़ी में जाते हो और हमें ये भी मालूम है कि उस गाड़ी में बम कैसे लगाया जाता है। आपका जवाब क्या था उसमें? मेरा जवाब ये था कि आप धमकी उसको देना जो आपकी धमकी से डरे, और मैंने उसे कहा था कि आप मेरी गाड़ी में बम लगाने की धमकी दो या मुझे मारने की धमकी दो, मैं जो काम कर रहा हूं ऐसे ही करता रहूंगा, ऐसे ही सवाल पूछता रहूंगा, और मैं किसी धमकी में किसी डर में नहीं आऊंगा। आप रजत साहब ऐसा झगड़ा वगड़ा मत किया करो, अच्छा नहीं लगता, ऐसा ना गुस्सा हो रहे हो आप, गाड़ी बदल लेते हैं दूसरी गाड़ी में चले जाते, इतना क्यों किया? वुड यू लाइक टू विश हिम 21 इयर्स? रजत जी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपने 21 साल तक हमें, अब मैं कटघरे से बाहर आ जाऊं? हाँ आ जाइए, आ जाइए सर। आपने 21 साल से हमें और देश की जनता को एंटरटेन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं, आप ऐसे ही आगे हमें एंटरटेन करते रहें और अपने मुस्कुराते चेहरे से हमें मुश्किल सवाल पूछते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट सर। इन तीनों के लिए मैं एक दो लाइनें कहना चाहता हूं, इनका रिश्ता क्या है मेरे साथ, मैं इन तीनों से कहना चाहता हूं कि आओ आपस में करें तूर की बिजली तकसीम, आसमान में जो बिजली चमकती है उसको हम आपस में बांट लें, आओ आपस में करें तूर की बिजली तकसीम, रोशनी तुम में रहे और तड़प हम में रहे, रोशनी तुम में रहे और तड़प मुझ में रहे। सर जाने से पहले हम आपको कुछ देना चाहते हैं, प्लीज सर स्वीकार कर लीजिए हम तीनों की तरफ से। हमारी तरफ से हमारे प्यार का एक तोहफा है,
जो हम अलग अलग आपको देना पसंद करेंगे। पहले मैं दे दूं? फर्स्ट मैं दूं। सर मेरी तरफ से आपको ये लुंगी देना चाहूंगा मैं। आप ऐसे ही शो करते रहें, मैंने जैसे कहा 121 साल और करें, और कभी लुंगी पहन के करने पहन के करें आपकी मर्जी है, शो कैसे करें वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, लेकिन इस लुंगी का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा शो के अंदर। ये मेरी तरफ से बहुत मेरी प्यारी गिफ्ट है आपको। रजत जी ये सलमान की तरफ से, आमिर की तरफ से। और ये टॉवल सर मेरी तरफ से आपको, सर ले लीजिए, क्योंकि अगले साल ये ट्रांजिस्टर आईपॉड में बनेगा, ये रुमाल हो जाएगा, और ये सर लंगोट हमारा नेक्स्ट वेंचर ये है सर। सलमान आपको होस्टिंग सिखाने वाले थे तो उसका थोड़ा सा एक मुजाहरा आप करके दिखा दें, क्योंकि बुरा लगेगा हम इतनी दूर आए और आपको सिखा कर नहीं गए। अरे भैया मुझसे नहीं होगा ये सब। Got it in.